वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, और इनफैक्ट ये भी बात करते हैं कि करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट ने अप्रोच किया था, कहते कि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, 18+ में हो चुका हूँ, तो क्या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या ये मेरे करियर के लिए अच्छा होएगा या नहीं होएगा। तो मुझे लगा कि नो डाउट मेरे चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो अभी शायद स्टडीज कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता होएगा, और उनके मन में ये भी होता होएगा कि कहीं से काश कुछ मेरे को कुछ ऐसी गाइडेंस मिल जाए जिससे मेरे को डिसीजन लेने में क्लैरिटी हो। क्योंकि अगर आपको किसी ऐसे शख्स से ये एडवाइस मिल जाती है, ये गाइडेंस मिल जाती है जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में काफी लंबा एक्सपीरियंस रखता है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो सकती है। और इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि जहां पे आपके मन में कंफ्यूजन हो सकती है बीइंग अ स्टूडेंट, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी ये क्लैरिटी नहीं होती है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि कुछ पर्सन खुद तो बीइंग अ स्टूडेंट डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं कि यस वो नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है पेरेंट्स की तरफ से ऑब्जेक्शन लग जाती है। पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग चाहे वो पार्ट टाइम ही करनी है, अगर करेंगे तो स्टडीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, स्टडीज में कहीं ना कहीं इस चीज का हार्म हो सकता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती है। तो इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी और आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, तो बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है वीडियो, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, अपना काफी लंबा मेरा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैं आपको कहूंगा कि यस, अगर आप अभी स्टूडेंट भी हैं, अब अगर आपकी स्टडीज अभी चल रही हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि यस, आपकी कंफ्यूजन को आप दूर कर दें, आपको जरूर बनना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट, आपको जरूर बनना चाहिए, क्योंकि चाहे आप अभी स्टूडेंट भी हैं, आप इसी टाइम पे भी अगर आप करेंगे ना इसको, नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनेंगे, तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको शायद किसी भी और इंडस्ट्री से नहीं मिल सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करो कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आओगे भी तो आपके पास एक टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मतलब आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको फुल डे लगाना है, और इनफैक्ट फुल डे लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो स्टडीज के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप डेली का कुछ टाइम भी, यानी कि लेट्स से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, या इनफैक्ट आप वीकली बेसिस पे या वीक में वंस और ट्वाइस अगर आप टाइम अपना स्पेंड करते हैं यहाँ पे, इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपको नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनना चाहिए। अभी मैं उसके रीजंस बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जब आप सुनेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो आप डेफिनेटली आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आप 100% सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को ही अपना करियर बनाए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन कुछ और हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपना फुल एंड फाइनल करियर ना बनाना चाहें। अगर आप कुछ ऐसा सोचते हैं कि नहीं, आपको फुल एंड फाइनल करियर जो है नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं बनाना है, इवन देन नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनने का बीइंग अ स्टूडेंट आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको आपके किसी और करियर में भी, यानी कि आप कुछ और करियर ऑप्शन भी चूज करते हैं, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कौन नहीं चाहता कि उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो, हर कोई चाहता है। और मुझे लगता है कि जब आप स्टडीज में होता है ना कुछ स्टूडेंट, तो उसका सारा फोकस नो डाउट स्टडीज के ऊपर ही होता है, लेकिन उसको कहीं भी ये ऑप्शन नहीं मिलती है कि वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए, यानी कि उसको कुछ खास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। और आपको पता है कि पर्सनालिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पर्सनालिटी जितनी ज्यादा डेवलप होगी आपको अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद, अगर कहीं पर जॉब भी करनी है ना, तो उसको बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आई होप कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगी। रीजन क्या है इसका, नेटवर्क मार्केटिंग में ना बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिलती है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर,
आपको यहाँ पे ना बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स को, जो एक्सपीरियंस्ड लीडर्स हैं, उनको फॉलो करने का भी मौका मिलता है, उनको लाइव देखने का मौका मिलता है। बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स होती हैं अलग अलग कंपनीज में। आपको वो भी अपनी कंपनी में, जिस कंपनी में आप जाएंगे, अगर वहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि लेट्स से अगर आपको अपनी स्टडीज में अभी 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़े हैं, या अभी 3 साल पढ़े हैं कंप्लीट होने में, या इससे ज्यादा भी पढ़े हैं, तो वो जो टाइम आप साइड बाय साइड यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ना, देखोगे खुद की आपकी पर्सनैलिटी में ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो आ चुकी है। ये तो सबसे पहला बेनिफिट जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है वो ये है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब आते हैं इसके दूसरे बेनिफिट के ऊपर। दोस्तों दूसरा बेनिफिट वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, आपको पता है कि आप किसी भी करियर में अगर जाएंगे आप, क्योंकि अगर आप स्टडीज कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली स्टडीज कंप्लीट होने के बाद आप कुछ ना कुछ करियर तो चूज करेंगे ही ना, और आप किसी भी करियर को चूज करें वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपको सक्सेसफुल होने में। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे पार्ट टाइम भी कर रहे हैं बीइंग अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी अलग अलग टाइप्स की जो है ट्रेनिंग्स मिलती है, तो वो आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हो, और बहुत बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको नए नए लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है, और आपको अलग अलग जगह पे आपको, क्योंकि हो सकता है कि आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो जैसे बाकी लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, आप भी प्रेजेंटेशन में धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे पर्सन को जो जब आए थे नेटवर्क मार्केटिंग में तो उनको कुछ भी बोलना नहीं आता था, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था बोलने का, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है वैसा, आपको माहौल जो है वहां पे मिल जाता है ऐसा जहां पे आप एक दूसरे को देख के ही सीख जाते हैं बहुत कुछ, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। तो ये चीज भी आपको बीइंग अ स्टूडेंट अगर आपको मौका मिल जाए सीखने का तो आपके लिए बहुत बड़ी एक एडवांटेज बन जाता है। अब इसके बाद आते हैं तीसरे बेनिफिट के ऊपर, ये भी मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगता है, वो ये है कि स्किल्स सेट इंप्रूवमेंट। दोस्तों अभी कम्युनिकेशन की बात की मैंने, कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन स्किल स्किल्स का एक छोटा सा पार्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने को मिलती हैं, जैसे कि क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने बोला आपको मिलना पड़ता है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत होती है आपकी, तो कैसे लोगों से मिलना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे कस्टमर डीलिंग करनी है, कैसे प्रोस्पेक्ट डीलिंग करनी है, इस टाइप की बहुत सारी अलग अलग स्किल्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलती हैं, और ये आपके किसी भी करियर में आपको हेल्प कर सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपका स्किल सेट, चाहे वो अलग अलग स्किल सेट्स हो, आपको यहाँ पे इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। आते हैं इसके फोर्थ बेनिफिट के ऊपर, बड़ा जबरदस्त बेनिफिट है ये भी। देखिए जो मैं समझता हूँ कि फोर्थ बेनिफिट है इसका, वो ये है, इसको आप टॉप पे भी रख सकते हैं, ये आपकी डिपेंड करेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वो ये है एक्स्ट्रा मनी, या आप इसको पॉकेट मनी भी कह सकते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, आप देखिए जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपके बहुत सारे खर्चे होते होंगे, आपको ऑब्वियसली हर कोई स्टूडेंट लाइफ में चाहता है कि मेरे पास पैसा हो एडिशनल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बाय करनी होती है, चाहे वो अच्छा मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है आपके लिए, चाहे आप घूमने के फिरने के लिए पैसा चाहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज मेट्स के साथ आप चाहते हो कि एंजॉय करने, अगर मैं कहीं पे जाऊँ तो मेरी पॉकेट में पैसा हो, तो आपको बार बार अपने घर वालों से मांगना पड़ेगा, और हो सकता है कि हर बार आप घर वालों से मांगने में आपको कहीं ना कहीं कुछ हेजिटेशन भी होती हो, आपको लगता हो यार नहीं मैं इतना पहले से खर्चा हो रहा है और मैं क्यों एक्स्ट्रा इनके ऊपर बर्डन डालूँ। तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आप यहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा भी कमा लें, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं भी कमाते हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो कमा ही लेंगे ना, आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे कितना टाइम दे रहे हैं और कितना अच्छे से इसको सीख के इसके ऊपर डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जो कि शायद आपको अदरवाइज नहीं मिल पाती। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने लिए कुछ पैसा भी अर्न करेंगे जो आपको बहुत जगह पे हेल्प कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है आज की डेट में वो अपनी जो कॉलेज की फीस है वो यहीं से निकालते हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारे खर्चे जो वो अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से ही निकालते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले पहले और अपनी कार्स एंजॉय कर रहे हैं, पर्सनल कार्स एंजॉय कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके एफर्ट्स के ऊपर, आपके लर्निंग्स के ऊपर कि आप यहाँ पे कितने अच्छे से काम कर रहे हैं और अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो यस, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा भी कमा सकते हैं, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट ही हैं अभी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट के ऊपर, फिफ्थ बेनिफिट के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो आपको किसी भी करियर में बहुत ज्यादा आगे तक लेके जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये आपको कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता,
बहुत लिमिटेड से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ सीखने को मिल सकती है, और हो सकता है वो जो सब्जेक्ट्स हैं आप उसमें स्टडीज कर ही नहीं रहे। यहाँ पे बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अलग अलग ट्रेनिंग्स भी होती हैं, और इसके अलावा बहुत बार ऐसे मौके मिलते हैं आपको जहाँ पे आपको पता है कि टाइम मैनेज करना आपके लिए ज़रूरी है ही है, और वैसे भी आप ये भी चीज़ सीख जाएंगे कि स्टडीज़ के साथ साथ आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं कि अपने लिए एक साइड बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखने को मिलती हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एक और बेनिफिट इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट, वो है आपका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। यस, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में, आप सोचो कि आप आज स्टूडेंट हो और आप एक साल, दो साल, तीन साल, जब भी आपकी जो स्टडीज है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद जब आप रिज्यूमे अपना कहीं पर लेके जाएंगे और आपके रिज्यूमे में लिखा है वहां पे कि आपको एक अच्छी ब्रांड, अच्छी कंपनी के साथ इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर कर काम करने का आपको एक्सपीरियंस है, और बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर वहां पे आप अपनी अचीवमेंट्स अगर कुछ होती हैं तो वो भी साथ में लगाते हैं, तो कितना प्लस पॉइंट है आपके लिए आप सोच भी नहीं सकते। एक तरफ तो एक आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप स्टडीज कर रहे हैं, और जब वो उसके बाद स्टडीज के बाद कहीं पर इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे तो उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, अपने वो रिज्यूमे में सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे और लिखेंगे कि नो एक्सपीरियंस। दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे, आप अपनी क्वालिफिकेशन तो लिखेंगे ही, आप क्वालिफिकेशन के साथ आप ये भी लिखेंगे कि आपको इतने टाइम का एक्सपीरियंस है एक अच्छी कंपनी के साथ। अगर आप किसी इंडियन कंपनी के साथ है आप वो मेंशन करेंगे, अगर ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल कंपनी के साथ जैसे मैं एमएनसी के साथ हूँ तो आप वो मेंशन करेंगे, अगर आप अपने किसी एमएनसी के साथ आप जुड़ते हैं तो कि मेरे को मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा। उससे भी बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि अगर आप ये साथ में बताएंगे कि आपकी क्या क्या यहाँ पे अचीवमेंट्स रही, आपके ऑलरेडी एक अच्छी खासी इनकम अगर आ चुकी है तो वो भी आप वहाँ पे शो करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वहाँ पे ये प्रोफाइल तो स्ट्रॉन्ग हो ही गया, उसका तो एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा आपको, इसके साथ साथ वो जो आप एक्सपीरियंस पर्सनली ले रहे हैं वो चीज़ आपको कितना ज़्यादा फायदा करेगी। आप खुद सोचें कि जब आप ये सारी स्किल्स आपके पास होंगी और वहाँ पे जाके आपके लिए जॉब में वह परफॉर्म करना कितना इजी होएगा, कितना इफेक्टिव होएगा कंपैरेटिवली टू दैट पर्सन जिसके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड सॉलिड पॉइंट फॉर यू कि यू आर गोना बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल फॉर यू आपकी स्टडीज के टाइम के ऊपर, जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपको बाय डिफॉल्ट जो आपका सोशल सर्कल है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। आपका जो एक लिमिटेड सा सर्कल होता है ना, जो आपका फ्रेंड सर्कल कह रहे हो, जो आपका रिलेटिव्स का सर्कल कह रहे हो, आप इसके अलावा भी बहुत नए नए लोगों को मिलते हो, आपके नए नए कनेक्शंस बनते हैं, नए नए आपके रिलेशंस बनते हैं। आप मतलब अपना जितना चाहो आप यहाँ पे अपना सोशल सर्कल जो है ना वो एनहेंस कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट भी होता है क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली नए नए लोगों से मौका मिलता है मिलने का, और वो जो लोगों से आप मिलते हो वो उनके साथ फिर आपका ऑब्वियसली जो सोशल सर्कल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो जो सोशल सर्कल है वो आपको कहीं ना कहीं आने वाले करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि जितना बड़ा आपका सोशल सर्कल होएगा उतना ही आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब इसके बाद आते हैं इसके लास्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हालांकि मैं ये कहूंगा कि ये लिस्ट जो है बहुत लंबी है, अगर मैं गिनना शुरू करूं तो बहुत ज्यादा भी बेनिफिट्स हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूं, क्योंकि अगर कवर करना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में जो मैं लास्ट जो मैं आपको बेनिफिट बताने जा रहा हूं वो है सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप भी जरूर चाहते होंगे कि मुझे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, मुझे अपने पेरेंट्स से सिर्फ पैसा मांगना ना पड़े, या हो सकता है कि आप ये चाहते हो कि स्टडीज करने के बाद मुझे नौकरी के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, यानी कि मैं अपना खुद का ही कुछ करना चाहता हूँ। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट अभी इसको शुरू कर लेते हैं तो आपके लिए पहला, जैसे मैंने बेनिफिट बताया था कि आप एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हैं यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा मनी होंगे तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुली अपना बिजनेस डेवलप कर गए, आप अपने लिए एक अच्छा खासा बिजनेस डेवलप कर गए, तो आपको इन फ्यूचर हो सकता है कि जॉब करनी ना पड़े या आपको किसी और बिजनेस के बारे में सोचना ना पड़े, क्योंकि अगर यहीं पे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस अपना सेटअप कर लेते हैं तो फिर कहीं पे जॉब करने की क्या जरूरत है। आज मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे पर्सन्स को जिन्होंने एज अ स्टूडेंट शुरू किया था और आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। अपनी अगर कहीं पे जॉब लगती उनकी स्टडीज के बाद तो उससे कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो अभी स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आप भी इसको सिंसियरली कर जाते हैं, डेडिकेटेडली कर जाते हैं, चाहे आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आप अपने बिजनेस को इतना अच्छा डेवलप कर लें कि आपको दोबारा जॉब के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। यानी कि आपकी मर्जी हो, अगर आप अगर चाहते हुए इन फ्यूचर कि आप जॉब करेंगे तो ये आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपको जरूरत ही ना पड़े, आपको लगे कि नहीं यार मैं तो इतना ज़्यादा अच्छा सेट हूँ, मुझे अब जॉब करने की क्या जरूरत है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा टोटली। तो ये है दोस्तों, मैं समझता हूँ जो कि अगर आप अभी स्टूडेंट भी हैं
तब भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने का बहुत फायदा है, चाहे आप इसको इन फ्यूचर फुल टाइम ज्वाइन करें या ना करें, आपको एक्सपीरियंस इतना ज्यादा मिल जाएगा कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा। ये वीडियो में आई होप कि मैंने आपके डाउट को क्लियर कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके हर फ्रेंड को पता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग स्टूडेंट्स को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और मैं तो बोलूंगा अपने पेरेंट्स के साथ भी जरूर शेयर करो, क्योंकि मेरा अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप, मुझे विश्वास है कि उनको कहीं ना कहीं इस चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% इसी को अपना फाइनल करियर बनाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आपको एक्सपीरियंस करने के बाद खुद रियलाइज हो, लगे ऐसा कि यस आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बने हैं या नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बनी है, तो आप इसको उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसको फुल टाइम करियर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम इसको करते हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि आपको ये जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, एटलीस्ट ये तो जरूर मिलने वाले हैं, और ये बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं मैं समझता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, जरूर लाइक करके जाना अगर अच्छा लगा तो। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।